हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई डेली फॉरेक्स फोरकास्ट के वीडियो में। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा नेक्स्ट टारगेट्स क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी हमारा अभी भी बाई जोन में ही है और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 1.1280 के थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है ना। 1.1280 पे आपका बाई जोन है तो आपका स्टॉप लॉस 1.1260 हो जाएगा या 1250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका लगभग 15 पिप का आप यहाँ से रिस्क ले सकते हैं और टारगेट जो होगा आपका फिर से 1.1368 होने वाला है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, अभी भी देख सकते हैं, अभी भी कोई भी सेल का सेटअप नहीं बना हुआ है। बट एक बार लॉन्ग टर्म अगर कोई सेल का सेटअप बना तो रिटेस्ट भी लेना चाहिए थोड़ा सा नीचे के लिए, फिर उसके बाद से कंटिन्यू करना चाहिए ऊपर, ठीक है ना। बट क्योंकि अभी भी बुलिश है इसलिए मार्केट का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है और इस जोन से मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाली है, ठीक ना। तो 1.1368 फिर से हमारा नेक्स्ट टारगेट यूरो यूएसडी में स्पेशली होने वाला है। चलिए हम आगे देखते हैं जेपी यूएसडी में। तो जेपी यूएसडी में मैंने लास्ट टाइम अभी भी मार्केट का हमारा जो नेक्स्ट देख सकते हैं आप H4 में, तो आप H4 में देखें तो अभी भी मार्केट बुलिश है, बट हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट करके और यहाँ से सेल में बन जाए, ठीक ना। तो आज का भी हमारा रेजिस्टेंस जो होने वाला है फिर से 1.2735 होने वाला है और यहाँ से मार्केट सेल में ही जाएगा। अभी साइडवाइज ही करने वाला, इसमें कोई शक नहीं, अभी साइडवाइज ही करने वाला है। सपोर्ट हमारा 1.2660 और 2640 के बीच में रहने वाला है, ठीक ना। अभी मार्केट पूरा उम्मीद है अगर जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं लेता है 1.2750 को क्रॉस करके उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं होता है तब तक मार्केट बाई में नहीं जाने वाला है और ये मार्केट इसी रेंज में साइडवाइज करने वाला है, ठीक है ना। जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं वैसे इन्फॉर्म करूंगा आने वाला। हो सकता है अभी एक दो दिन लगे इसमें, उसके बाद ही कोई चेंजेज आए। तो अब देखते हैं कि कोई भी मार्केट का अच्छा इवेंट्स आए तो फिर आगे कुछ हो इसमें। ओके चलिए हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई में। मैंने लास्ट वीडियोज में बोला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए तो मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया हुआ, तो उम्मीद है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज करेगा, मतलब कि कुछ घंटे तक यहाँ पर साइडवाइज करेगा। तो अभी भी मैंने एक बाई का सिग्नल ग्रुप में भी डाला था, ठीक है ना, यूएसडी जेपीवाई में। यहाँ पर अभी थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी लग जाए, फिर उसके बाद से अगर कोई बाई का सेटअप यहाँ पर बन जाए तो इस जोन से आप बाई करके आपका टारगेट जो होगा वो लगभग 200 पिप का टारगेट होगा, यानी माइक्रो में भी 0.01 से भी आपको लगभग $20 का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से, ठीक ना। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लगभग इसके नीचे डाल सकते हैं 107 कंप्लीट 107। यदि 100 पिप का आप रिस्क लेते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो 200 पिप का होता है, मतलब 1:2 का यहाँ पर बहुत ही अच्छा बड़ा सेटअप आप निकाल सकते हैं, 1:2 से भी मेरे ख्याल से कम ही। अगर ये मतलब आप चाहें तो स्टॉप लॉस 107.25 का लगा सकते हैं और आपका टारगेट जो होगा वो और भी बड़ा हो सकता है। बट अगर इसे मार्केट तोड़ती है, ठीक ना, अगर इसे मार्केट तोड़ती है तो फिर से दोबारा देख सकते हैं कि एक बार इसे छूने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ और फिर से यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर। तो दोनों ही चांस, अगर इसको ब्रेकआउट ले तो 107.30 भी आ सकती है, लेकिन फिर से यहाँ से बाई जोन में ही जाने की पूरी चांस हो सकती है, या तो यहीं से चल जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारा पहले का प्रीवियस रेजिस्टेंस रहा है और जो कि अभी सपोर्ट बन चुका है। तो मैं कई दिनों से बोल रहा था कि एक बार इसे रिटेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी मार्केट, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसी पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा समय लगेगा इसको यहाँ पर साइडवाइज करें, अगर इसका ब्रेकआउट ले लें मतलब कि मैंने जो ग्रुप में स्टॉप लॉस दिया अगर उसे हिट कर जाए स्टॉप लॉस तो फिर मार्केट जो है दोबारा आएगी यहाँ तक 107.30 के आसपास, 107.30 तक आ सकती है। मैंने स्टॉप लॉस आपको डाला है 107.65 और 107.60 के नियर अबाउट, ठीक है ना। और अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाए वहाँ पर कोई भी कैंडल आवरली यानी H1 या H4 में क्लोज हो जाए फिर जो है मार्केट वहाँ से दोबारा और थोड़ा नीचे आ सकती है यहाँ और फिर यहाँ से बाई कर सकती है। जो लोग भी लंबा प्रॉफिट लेना चाहते हैं मतलब लॉन्ग टर्म छोड़ना चाहते हैं स्पेशली यूएसडी जेपीवाई, तो वो लोग जो है अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगा सकते हैं 107.25 का, ठीक है ना, 107.25 का अपना या 30 या 25 का स्टॉप लॉस डालेंगे और जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं ले रहे उसके बाद से फिर से दोबारा उनको लगभग $200 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 पिप। अब आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो भी लगा लीजिए, साइज आपका है, आपका अकाउंट कितना डॉलर का है ये उस पर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे देखते हैं गोल्ड में।
तो गोल्ड में मैंने लास्ट टाइम कुछ वीडियोज़ में आपको सेल करने को बोला था, और आज सुबह सुबह भी मैंने लगभग इसके आसपास सेल करने को बोला था, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बना, तो मैंने 1699 पर सेल करने को बोला, और मैंने टारगेट दिया था क्या 1694। 1694 का टारगेट वन था, जो कि हिट भी कर गया सुबह ही। तो अब आपको आगे क्या करना है, अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। अगर फिर से जाकर दोबारा स्टॉप लॉस को हिट करता है मार्केट, तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो सकता है, या दोबारा जाके 1706 को तोड़ देता है। 1706 पे कोई भी मार्केट गोल्ड का क्लोज होता है, तो फिर से दोबारा 1716 तक जा सकता है। 1715 और 1716 तक कन्फर्म हो जाएगा। अगर 1715 और 1716 तक फिर से चला गया गोल्ड, तो बाई में चला जाएगा। अगर यहाँ तक फिर से गया, तो फिर से ये बाई में चला जाएगा। तो अभी हमारा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका, कि ये आवरली टाइम फ्रेम